वेलकम फ्रेंड्स, मैं कुबेर पाटीदार मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में देखेंगे कि एक प्रोबेशनर एम्प्लॉय के लिए स्थायीकरण करते समय आकस्मिक अवकाश की गणना अपन कैसे कर सकते हैं। यहां पर स्थायीकरण का फुल प्लस वीडियो अपन देखेंगे 3 तारीख को। यहां पर एम्प्लॉय 3 अक्टूबर 2018 की ज्वाइनिंग है और 3 अक्टूबर 2020 को एम्प्लॉय स्थायी होने जा रहा है, इसलिए यहाँ पर उनके स्टाफ कॉर्नर से स्थायीकरण का फॉर्म अप्लाई करेगा। फिलहाल अपन आकस्मिक अवकाश की गणना इस वीडियो में देखते हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अवकाश दिए हुए हैं। इन सभी अवकाश में यहाँ पर आदेश की प्रति यानी कि स्वीकृत करने वाले अधिकारी के आदेश की प्रति यहाँ पर अपलोड करनी होती है, लेकिन आकस्मिक अवकाश में किसी भी टाइप की प्रति अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर प्रथम वर्ष में कितने अवकाश लिए और द्वितीय वर्ष में कितने अवकाश लिए, कब से कब तक, और यहाँ पर उनकी कुल संख्या ऑटोमेटिक आ जाएगी। और यहाँ पर आधे दिन का अवकाश अगर लिया है तो यहाँ पर चेकबॉक्स है, छोटा सा उसको टेक कर लेना है। यहाँ पर प्रोबेशनल इम्प्लॉय के लिए आकस्मिक अवकाश की गणना की गई है। प्रोबेशनल इम्प्लॉय के स्थायीकरण के लिए आकस्मिक अवकाश की गणना, यहाँ पर दो टाइप के ज्वाइन इम्प्लॉय बताए हुए हैं। 3/10/2018 को ज्वाइन इम्प्लॉय और 18/फरवरी 2019 को ज्वाइन इम्प्लॉय। फिलहाल प्रोबेशन के लिए अप्लाई करने वाले 3 अक्टूबर 2018 को ज्वाइन इम्प्लॉय है और उसके बाद में लार्ज स्केल में इम्प्लॉय 18 फरवरी 2019 को इम्प्लॉय ज्वाइन हुए थे, उनकी 18 फरवरी 2021 यानी कि आज से 5 महीने बाद स्थायीकरण फॉर्म अप्लाई होने जा रहा है। पहले तो आप सभी रेगुलर होने जा रहे इम्प्लॉय को हार्दिक शुभकामनाएं, और 18 फरवरी 2021 को रेगुलर होने वाले एम्प्लॉय को अग्रिम शुभकामनाएं। यह आकस्मिक अवकाश की गणना मैंने ऑफिस में काम करने वाले ओए सर से कैलकुलेट करवाई है और उसके बाद में मैं आपको वीडियो में ये प्रोसेस बताने वाला हूँ। यहाँ पर 3 अक्टूबर 2018 को ज्वाइन एम्प्लॉय के लिए 3/10/18 से 30 जून 2019 तक 9 CLA उनकी बनी थी। एक साथ 19 से 30 जून 2020 पूरे सेशन के लिए 15 CL बनी और एक साथ 2020 से 2/10/2020 तक यानी कि कल तक यहाँ 3 CLA बनती है। अब ये तो हो गई उनकी टोटल आकस्मिक अवकाश की गणना, और इस दरमियान उन्होंने किसी तारीख के बीच में छुट्टियाँ ली हैं तो इससे कम हो सकती है, ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि आजकल उपस्थिति अपन ऑनलाइन कर रहे हैं। गलती की वजह से अगर मान लो अपने रजिस्टर में साइन कर दिए और हाजिरी में अपन ने ऑनलाइन CL अपन ने स्वीकृत करवा दी और उसको कैंसिल करना भूल गए, तो ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आजकल अटेंडेंस अपनी ऑनलाइन है। इसमें अगर जो भी CL वगैरह ली है तो उसकी गणना इस तरह से कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर 18 फरवरी 2019 को ज्वाइन एम्प्लॉय के लिए 18 फरवरी 2019 से 30 जून 19 के बीच में 4 CL, एक साथ 19 से 30 जून 2020 तक 15 CL, और एक साथ 2020 से 17 फरवरी, यहाँ पर 17 फरवरी इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 18 फरवरी को तो एम्प्लॉय स्थायी होने जा रहा है, इसलिए यहाँ पर एक दिन पूर्व तक CL गिनी जाएगी। तो ये तो होगी उन एम्प्लॉयज़ के लिए आकस्मिक अवकाश की गणना। ये कैलकुलेशन मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अब अपन आ जाते हैं एम्प्लॉय के स्टाफ कॉर्नर पर। यहाँ पर स्टाफ कॉर्नर लॉगिन करेगा, यहाँ पर होम पेज ओपन होगा। होम पेज में यहाँ पर फॉर्म्स की टैब में एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विस और इसी टैब में यहाँ पर फॉर्म्स लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करते ही यहाँ पर कन्फर्मेशन फॉर्म, ये स्थायीकरण के लिए है, और यहाँ पर अप्लाई फॉर SCP, ये अपन ने प्रीवियस वीडियो में देखा है, लेकिन अपन को भी देखना है कन्फर्मेशन फॉर्म, तो कन्फर्मेशन फॉर्म पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही यहाँ पर प्रोबेशनल ट्रेनी के स्थायीकरण हेतु आवेदन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर 17 नंबर का पॉइंट है, उपभोग किए गए अवकाशों का विवरण। इसमें यहाँ पर ऑलरेडी आप सेलेक्ट आएगा प्रसूति अवकाश, लेकिन अपन को यहाँ पर प्रसूति अवकाश अपन आकस्मिक अवकाश की एंट्री करनी है, तो यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेना है आकस्मिक अवकाश। इसको जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर
प्रथम वर्ष में लिए गए अवकाश और द्वितीय वर्ष में लिए अवकाश, ये ओपन हो जाएगा। पहले तो यहाँ पर प्रथम वर्ष में अगर कोई अवकाश आपने लिया है तो उसको सेलेक्ट कर लेना है, या आधे दिन का अवकाश लिया है तो इस चेकबॉक्स को टिक कर लेना है। अब यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री आ रही है, अवकाश का दिनांक वार विवरण कब से कब तक, तो कब तक लिया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 25 और 26 अक्टूबर को एम्प्लॉई ने कोई एग्जाम वगैरह देने गया हो या किसी कारणवश अवकाश लिया हो, तो 25 और 26 दो दिन का अवकाश मैं यहाँ पर अपलोड करके दिखाऊंगा आपको। 25 अक्टूबर 2018 से यहाँ पर अपन ले लेते हैं 26 अक्टूबर, यहाँ पर ऑटोमेटिक कुल संख्या कैलकुलेट होगी अवकाश की, दो अवकाश लिए। और आदेश की प्रति यहाँ पर स्वीकृत करने वाले अधिकारी वो ऑफलाइन आपको की स्वीकृति आदेश दे देंगे। अगर आप पीएस में हैं तो आपके पीएस के संस्था प्रधान, और अगर आप यूपीएस में हैं तो यूपीएस संस्था प्रधान प्लस सीनियर स्कूल में हैं तो पीओ सर द्वारा इसकी स्वीकृति दी जाएगी। और बाकी के अवकाश हैं इनके लिए स्वीकृति का आदेश अलग है, वो नेक्स्ट वीडियो में अपन ज़रूर देखेंगे, क्योंकि ये आकस्मिक अवकाश है और इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में ये नेक्स्ट जैसे ही सेव करेंगे तो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। और इसी टाइप से अगर प्रथम वर्ष में आपने और भी अवकाश लिए तो यहाँ पर एंट्री कर देनी है और आफ्टर नेक्स्ट द्वितीय वर्ष को सेलेक्ट कर लेना है। द्वितीय वर्ष में लिए तो द्वितीय वर्ष में भी इस तरह से ऐड कर लेना है और यहाँ पर सेव एंट्री कर लेनी है। तो ये थी आकस्मिक अवकाश की गणना, और आकस्मिक अवकाश की गणना करने के बाद में यहाँ पर एंट्री किस तरह से करेंगे अपन फुल प्लस वीडियो देखेंगे 3 तारीख को, क्योंकि यहाँ पर इम्प्लॉई 3 तारीख को अप्लाई करने जा रहा है, यहाँ 3 अक्टूबर 2018 की ज्वाइनिंग है, इसलिए 3 अक्टूबर 2020 को ही ये अप्लाई कर सकते हैं। इसके पहले अपन अप्लाई नहीं कर सकते, ड्यू डेट से पहले अपन अप्लाई नहीं कर सकते, ड्यू डेट आफ्टर अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।